उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद के चंदवा क्षेत्र के बुलगाड़ी में कथित गैंगरेप के शिकार पीड़िता की मौत के बाद अब उसके अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन आरोपों के घेरे में है। आरोप है कि पुलिस ने शव परिजनों को नहीं सौंपा और अंतिम संस्कार कराने का दबाव डालने लगे, जबकि परिजन कुछ वक्त के लिए पीड़िता के शव को घर में रखकर आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहते थे। साथ ही उन्होंने रात में अंतिम संस्कार न करने की भी बात कही थी, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन ने फोर्स के बल पर आधी रात के बाद बिना रीत रिवाज के मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। इस बीच कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल परिवार से अंतिम संस्कार के हक छीने जाने को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक पुलिस वाला परिजनों और ग्रामीणों को समझाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में वह कहता सुनाई दे रहा है कि रीति रिवाज समय के साथ बदलते रहते हैं, यह असाधारण परिस्थिति है। कहां लिखा है कि रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है, इस बात को मानिए कि कुछ गलती आप लोगों से भी हुई है। दरअसल परिजन रात में शव का अंतिम संस्कार करना नहीं चाहते थे, जबकि पुलिस तुरंत अंतिम संस्कार कराना चाहती थी। इसके बाद आधी रात के बाद करीब 3:45 बजे बिना किसी रीति रिवाज के और परिजनों की गैर मौजूदगी में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस और पीएसी के जवानों ने घेराबंदी कर मीडिया को भी कवरेज करने से रोक दिया।